हाय फ्रेंड्स, आज मैं रियलमी 7i का रिव्यू करने वाला हूँ। तो अगर आप कोई बजट फ़ोन देख रहे हो अराउंड 11K के आसपास, तो एक अच्छा ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर इट। सो कम, लेट्स ओपन इट। सबसे पहले आपको ये येलो बॉक्स मिलता है, रियलमी का ब्रांडिंग। इट एक्चुअली लुक्स लाइक ए प्रीमियम स्मार्टफोन, यू नो द बॉक्सिंग, द क्वालिटी व्हाट दे प्रोवाइड फॉर द 11K बजट। ये लगता नहीं है कि ये सिर्फ 10-12 हज़ार का फ़ोन है। द क्वालिटी इज़ रियली वेरी गुड। सबसे पहले आपको कुछ यूज़र मैनुअल, उसके बाद इसके अंदर यू कैन सी दैट केस, काफ़ी अच्छा केस है, सिलिकॉन। और इज़ अ स्मार्टफोन, चलो इसको देखते हैं बाद में। देन दिस इज़ 18 वॉट फास्ट चार्जर। तो मेरे पास और एक स्मार्ट चार्जर है रियलमी का, विच इज़ रियलमी XT। उसकी डिज़ाइन और इसकी डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट है, यू कैन फील दैट। ये मेरा रियलमी XT का चार्जर है, ये रियलमी 7i का। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है फ्रेंड्स, व्हेन यू कंपेयर विद दिस वन। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है हाथ में, द फील एंड गुड एंड इवन द बिल्ड क्वालिटी, यू कैन फील इट व्हेन यू होल्ड दिस चार्जर। अगर आप इसको देखते हैं, ये कोई डब्बा 10 रुपए का डब्बा दे दिया इसके साथ, यू कैन फील दैट। तो इसके अलावा आपको एक USB केबल मिलता है। लेट्स ओपन द फोन नाउ। तो फ्रेंड्स, आपको सिम इजेक्टर टूल यहाँ पे मिलता है। काफ़ी नॉर्मल डिज़ाइन है, यू कैन सी दिस। सो लेट्स ओपन द स्मार्टफोन। फ्रेंड्स, मैंने इसको सेटअप कर दिया है। फिंगरप्रिंट आपको पीछे मिलता है आप इसका। तो मैंने इसको परचेस किया है फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे के दौरान। तो मुझे ये स्मार्टफोन पड़ा करीब 11K के अराउंड, जो एक्चुअल प्राइस है वो 12 हज़ार के आसपास। तो मैंने SBI क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन लगाया था, तो मेरे को 1,000, रफली 1,000 डिस्काउंट मिल गया था, तुरंत इंस्टेंट डिस्काउंट। तो टच एंड फील गुड, द स्मार्टफोन इज़ एक्चुअली रियली फील्स गुड इन योर हैंड। और इसका डिस्प्ले इज़ समथिंग यू नो विच फील्स यू आर नॉट होल्डिंग अ बजट फोन, इट्स एक्चुअली फील्स ए प्रीमियम स्मार्टफोन। एंड यहाँ पे कैमरा है फ्रेंड्स, फ्रंट कैमरा, यू कैन सी दैट। सो डेली यूसेज के दौरान आपको लगेगा भी नहीं कि इसके फ्रंट कैमरा है यहाँ पे। सो इट्स क्वाइट बिट हाइडन इन दैट डार्क ब्लैक थीम, सो इट्स नेगोशिएबली नोटिसेबल। एंड यहाँ पे आपको 4 रियर कैमरा मिलता है। मेन कैमरा है जो 64 MP का है, और ट्रस्ट मी गाइस, कैमरा इस फोन का है ना, इट्स ऑन अनदर लेवल। फ्रेंड्स, इसके साथ जो प्रोसेसर मिलता है वो स्नैपड्रैगन 662, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। मैं 636 यूज़ किया था, तो मैंने परचेज़ किया था MI 5 Pro और आसूस मैक्स वन प्रो, वो 636 के प्रोसेसर है। सो मैं आई एम ए यूजली पबजी यूज़र, तो मैं काफ़ी गेम खेलता था उसके साथ। सो मुझे उस प्रोसेसर में कोई लैग नहीं फील हुआ। सो ये 662 प्रोसेसर है,
दिस अपग्रेड वर्जन ऑफ दैट 636, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा हालांकि पबजी खेलते हुए. डिस्प्ले क्वालिटी इज़ वेरी प्रीटी गुड, 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले है. तो आपकी बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो आपको इसके साथ 5000 mAh का बैटरी मिलता है. रफली आपका एक दिन तो आराम से चल जाता है, चाहे आप गेम खेलो या म्यूज़िक प्ले करो या वीडियो बनाओ, कुछ भी करो आराम से. ये 1.5 डे आपको हैवी यूसेज के साथ मिल जाता है, लाइट और मॉडरेट यूज़ के साथ आपको 2 दिन चल जाएगा. सो कैमरा क्वालिटी की बात करें तो कैमरा इज़ रियली प्रीटी गुड गाइस, यू कैन सी दैट. एंड फ्रंट कैमरा, हियर इज इट. एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू.